अलगम and we're talking about editorial and letter to the editor. बहुत इस पूरे सेशन में हमने बात की है मुख्तलिफ किस्म के आर्टिकल्स की मुख्तलिफ़ किस्म की जो राइटिंग होती है उसकी अब जो एडिटर एडिटोरियल और लेटर टू द एडिटर है ट्रडिशनल traditional, ट्रडिशनली ये एक प्रिंट मीडियम का राइटिंग फॉर्मेट है आर्टिकल्स होते हैं मगर इनका लिखने का तरीक़ा अलग होता है उसके बारे में हम भी बात करेंगे मगर जैसे जैसे कि अब हमने देखा कि डिजिटल मीडियम का भी एक बड़ा सा एक जो है ना हमारा दौर शुरू हुआ है तो ये चीज़ जो है अब डिजिटल पे भी जा चुकी है वहाँ पर भी आप एडिटोरियल लिख सकते हैं वहाँ पर भी आप एक लेटर टू द एडिटर लिख सकते हैं और बल्कि उसका जो टाइम है वो ज़्यादा फास्ट हो गया है जो प्रिंट होता था ना उसमें स्पेस कम होती थी तो कब छपता है कब नहीं छपता है उसका हमें पता नहीं होता था मगर अब चूँकि डिजिटल एक और हमारे पास जल मिल गया है तो अब हम कोशिश करते हैं कि जब जब भी हम कोई भी चीज़ लिखें वो हम पेश कर सकते हैं जब हमने बात की थी ओपेड्स की तो हमने कहा था कि वो आपका ओपिनियन है जो कि आप दूसरों को दे सकते हैं जो एडिटोरियल होता है वो एक एडिटर यानी कि जो न्यूज़पेपर का एडिटर होता है वो अपना एक ओपिनियन पेश कर रहा होता है किसी एक टॉपिक के ऊपर अब एज एन एडिटर उसको हम ये सोचते हैं कि यार वो बड़े समझबूझ का बंदा है वो दुनिया जानता है वो ख़बर रखता है हर चीज़ की एनालिसिस है उसके पास हर जाविये से वो एक ख़बर को देख रहा है तो जब उस वो एक अपना ओपिनियन देता है तो वो एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन होता है यानी कि एक मान खेज़ ओपिनियन होता है उसको पूरी इन्फॉर्मेशन होती है उसके साथ वो एक ओपिनियन देता है तो बहुत सारे ऐसे हमारे जो पढ़ने वाले हैं वो एडिटोरियल जो होते हैं उनको बड़े ग़ौर से पढ़ते हैं बड़े शौक से पढ़ते हैं और ये एक बड़ा पॉपुलर टूल है तो अगर आप सोच रहे हैं कि जी फिर मैं तो एडिटर हूँ नहीं तो मैं क्यों सीखूं? बात यह है कि इस यहाँ पर बहुत सारे एडिटर्स जो हैं वो गोस्ट राइटर्स इस्तेमाल करते हैं अपने एडिटोरियल्स लिखवाने के लिए यहाँ पर क्या पूरी दुनिया में तो अगर आप अंग्रेज़ी में लिख रहे हैं तो आपके पास द वर्ल्ड इज़ ओपन टू यू अगर आप उर्दू में लिख रहे हैं तो आपके पास पाकिस्तान में बहुत से ऐसे मौा मिलेंगे जहाँ पर आप आ, किसी और के लिए गोस्ट राइटिंग कर सकते हैं इसलिए हम बात करेंगे एडिटोरियल्स की भी तो एडिटोरियल्स को लिखना कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं डिस्क्राइब करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं यानी कि हमने जिस टॉपिक के ऊपर भी बात करनी है उसको पहले हम उसके बारे में सारी डिटेल्स देते हैं कि जी ये सारा कुछ है ये चीज़ हो रही है और उस पर हम उसको इंटरप्रेट करते हैं यानी कि अपना एक जो हमारा ओपिनियन है हमारा जो पर्सपेक्टिव है जिस तरह हम उसको देख रहे होते हैं वो हम उसके साथ शेयर करते हैं फिर हम वो करते हैं जो हमें अक्सर मना किया जाता है मगर इस फॉर्मेट में हम बड़े खुल के और मज़े में करते हैं वो है क्रिटिसाइज द इशू यानी कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नॉट क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म बल्कि एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म यानी कि अगर हम किसी की शिकायत भी कर रहे हैं अगर किसी को बुरा भला भी कह रहे हैं तो हम इसलिए रहे हैं ताकि वो अपने आप को दुरुस्त कर सके वो एक सोसाइटी के लिए इंसान के लिए उसकी बेहतरी के लिए हम उस बात को उठा रहे हैं तो इसी उसको हम एडिटोरियल में ख़ास तौर पर एक हम कोई भी जिस इशू के बारे में बात करें चाहे वो पानी का इशू हो चाहे वो डैम का इशू हो चाहे वो किसी और चीज़ का इशू हो उसको हम अगर क्रिटिसाइज़ भी करें तो एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से करते हैं फिर हम पर्सुएट करते हैं यानी कि हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा पढ़ने वाले हैं उनको हम अपनी तरफ कायल कर लें हमारा जो नज़रिया है उसकी तरफ उनको हम उसके ऊपर हम कायल करें और कहें कि नहीं जी जो हम कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आपको भी यकीन आएगा कि जो हम कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं इसीलिए एडिटोरियल जो है वो लिखा जाता है जो एडिटोरियल का फॉर्मेट है यही कुछ कुछ लगभग फॉर्मेट है जो कि टॉक शोज़ में भी इस्तेमाल होता है हम जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्रिटिसाइज़ करें हम प्रेज़ भी कर सकते हैं तारीफ भी कर सकते हैं ये एक एग्ज़ाम्पल है दिस इज़ अबाउट देर सेवन पॉइंट नाइन मिलियन लिविंग ओवरसीज़ इन मोस्ट ऑफ ऑफ आर एज मेजोरिटी एलिजिबल टू वोट यानी कि वोटिंग के बारे में है और हम बात कर रहे हैं कि जी जो बाहर हमारे पाकिस्तानी हैं उनको वोट करना चाहिए और जो एडिटर है वो अपनी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन या जो ओपिनियन है वो इसके बारे में देता है एज़ यू कैन सी बहुत ज़्यादा बड़ा आर्टिकल नहीं है आप आराम से पढ़ सकते हैं मगर बाकी आर्टिकल्स के मुकाबले में बड़ा है तो हम अगर आगे बढ़ें लेटर टू द एडिटर के ऊपर तो लेटर टू द एडिटर क्या होता है वो हम एक ख़त लिखते हैं एडिटर को और हम कहते हैं कि भाई हमारे मसले इनको हल करें या हमारी शिकायतें उसको हल करें तो अ लेटर इज़ रिटन लाइक अ लेटर एंड इट इज़ प्रिंटेड लाइक अ लेटर और उसको हम पब्लिकेशन करते हैं हम खुला इतन ओपन लेटर हम चाहते हैं कि हर कोई वो हमारा खत पढ़े वो सिर्फ एडिटर के लिए नहीं होता वो छपने के लिए होता है मगर फॉर्मेट क्या होता है ख़त का क्यों लिखते हैं आपको गुस्सा जड़ा हुआ है किसी चीज़ पे और आपने कहना है कि भाई मुझे तो अपना गुस्सा एक्सप्रेस करना है यू थिंक दैट इन इशू इज सो इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू स्पीक यानी कि एक इशू आपके लिए इतना जरूरी है इतनी ऐसी अगर आपने उसके बारे में बात नहीं की तो बस आप रह नहीं सकेंगे तो इसलिए आप लेटर लिखते हैं या अगर आप इसको एक स्ट्रेटिजिक कम्युनिकेशन के तौर पे लेते हैं और आप कहते हैं कि भाई अगर मैं एक लेटर लिखता हूँ तो पीपल विल सिट अप एंड टेक नोटिस कि इसने वाकई कोई चीज़ या कोई इशू जो है वो रेज किया है कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम कोई आइडिया सजेस्ट करना चाहते हैं कोई पब्लिक ओपिनियन को स्वे करना चाहते हैं किसी एजुकेट करना चाहते हैं या हम पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं या हम वैसे ही अपने काम की वाह करना चाहते हैं तो ये ये भी एक ऐसे तरीक़े बट आम तौर पर जो हमने पहले बात की उस लिए इस्तेमाल होता है ट्रेडिशनली इस्तेमाल इस होता है तरीका क्या है लिखने का हम ख़त की तरह लिखते हैं आम सा अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आपके इस तरह का एक सैल्यूटेशन होता है एकदम से हम जो भी लिखते हैं वो अट, आ, एडिट आ, जो अट, हमारी ऑडियंस है उसकी अटेंशन वो ग्रैब करता है हम एक्सप्लेन करते हैं शुरू में कि हम क्यों लिख रहे हैं क्या हम कहना चाह रहे हैं जल्दी जल्दी लिखते हैं कंसाइज कंसाइज तरीके से लिखते हैं और हम आराम से लिखते हैं चीखते नहीं हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा गुस्सा भी एक्सप्रेस नहीं करते हैं मगर सॉलिड तरीके से बात करते हैं कंसाइज तरीके से बात करते हैं हम उनको बताते हैं कि ये इशू क्यों ज़रूरी है हम एविडेंस देते हैं हम यानी कि उनको एक ठोस सबूत देते हैं कि हम इसकी तारीफ़ क्यों कर रहे हैं या हम इसको क्रिटिसाइज़ क्यों कर रहे हैं हम अपना ओपिनियन बताते हैं फिर हम नीचे साइन कर देते हैं और एज ऑलवेज एंड एक अगर हम इसका साम्पल देखें द of पैटर्न इन दिटी ऑफ कराची अफेक्टेड बिकॉज the deforestation that occurred due to many forested areas being converted into gated residential areas। और शुरू में ही पता चल गया कि जी sumaiya जो है वो सख्त नाराज़ है जो deforestation हुई है जिसकी वजह से वेदर patterns बदल गए हैं बारिश नहीं हो रही है और उससे हम लोगों को नुकसान हो रहा है तो उसने उसके ऊपर ख़त लिखा तो अब हम कहते हैं कि भाई एक ख़त हमें भी लिखना चाहिए देखते हैं कि ख़त कैसे लिखते हैं वी आर राइटिंग टू द एडिटर ऑन द इशू ऑफ लैक ऑफ जॉब्स ठीक है ये हमारा टॉपिक है और हम यहाँ पर लिखते हैं सिंपल सा करते हैं मॉडर्न तरीके से हेलो मिस्टर एडिटर I am sure you must be doing well sitting in your luxurious office working happily. And earning for your family. I can only wish for such an event in my life. You guessed. I have no job. Why? Because there are no jobs. Decades have gone, and we still await. प्रमिस ऑफ आ और इसी तरह हम खत लिखते हुए चले जाएंगे अगर ऑब्वियसली uh, हमारे पास इतना वक्त नहीं है बट जस्ट टू लेट यू नो इट इट केन बी वेरी कैजल बहुत जरूरी नहीं है कि हम बड़ा फॉर्मल सा खत लिखे हैं कहें जी आ, आ, आ क्या आप दफ्तरी ख़त लिखें आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं एक कैजुअल लैंग्वेज में लिखेंगे एक एंटरटेनमेंट तरीके से लिखेंगे जिसमें थोड़ा सा फ़न है थोड़ा सा पीपल एक्चुअली वांट टू रीड इट आसानी से समझा जा रहा है आसानी से पढ़ा जा रहा है तो आप एक कॉन्वर्सेशन करते हैं और आप ये कहते हैं कि भाई मैं कह रहा हूँ कि जॉब्स नहीं है मेरे पास भी जॉब नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि किसी ने हमें दी नहीं है इतने वादे किए गए हैं मगर वादे पूरे नहीं किए गए ये ऑब्वियसली पूरा लेटर नहीं है मगर जब हम पूरा लिखते चले जाएंगे तो इसी फॉर्मेट में हम लिखेंगे आगे एंड आखिर में हम साइन कर देंगे विद योर नेम आई साइन इट एज मिसेस कमाल सो दैट इज एज सिंपल एज दैट एंड आई होप टू सी अ लॉट ऑफ लेटर्स टू द एडिटर्स फ्रॉम यू कोई पैसे नहीं लगते इसमें और अपनी ओपिनियन बतानी चाहिए और सबके साथ शेयर करनी चाहिए क्योंकि क्या पता कौन पढ़ के इससे उनके आ, सोच में तब्दीली आए और हम सब के लिए जॉब्स आए या जो भी इशू है जिसके लिए आप काम बात करना चाह रहे हैं वो फुलफ़िल हो जाए थैंक यू